Good morning, students. I am Payal and I am from BPS school. So we will discuss the topic immunity. आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है इम्यूनिटी. ओवरऑल एबिलिटी ऑफ होस्ट टू फाइट द डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म कंफर्ड बाय इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड इम्यूनिटी. हमारे इम्यून सिस्टम की एबिलिटी जिसकी हेल्प से हम बहुत सारे डिसीजेस को फाइट करते हैं दैट इज कॉल्ड एज इम्यूनिटी. अब क्या होता है, हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे इन्फेक्शियस एजेंट से एक्सपोज होते हैं. डेली हम बहुत सारे इन्फेक्शियस एजेंट से हम एक्सपोज होते हैं, लेकिन कुछ लोगों को ही डिसीज हो पाता है उन एजेंट्स के थ्रू. कुछ जो हैं उनको एक्सपोजर होने से भी डिसीज नहीं होता है. ये किस वजह से होता है, क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी जो होती है उसके पास एबिलिटी है, वो अपने आप को फॉरेन एजेंट से डिफेंड कर सकती है. और वो जो एबिलिटी जो एक होस्ट के अंदर होती है एक डिसीजेस से फाइट करने की, हमारे इम्यून सिस्टम वो एबिलिटी हमें प्रोवाइड करता है एंड दैट एबिलिटी इज कॉल्ड एज इम्यूनिटी. मतलब जो हमारे डेली लाइफ में हमें एवरीडे कुछ ना कुछ इन्फेक्शियस एजेंट हमें रोज जो टकराना उनसे हमारा होता है, लेकिन हम हर किसी से की वजह से डिसीज कॉज नहीं हो सकता. वो किसकी वजह से है, हमारी इम्यूनिटी की वजह से. इम्यूनिटी की टाइप्स दो टाइप की होती हैं, एक होती है इनेट इम्यूनिटी, एक होती है हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी. तो सबसे पहले आज जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज इनेट इम्यूनिटी. इनेट इम्यूनिटी ये नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस है. मतलब ऐसा नहीं है कि इसने पर्टिकुलर बैक्टीरिया से ही डिफेंस करना है हमारा या पर्टिकुलर किसी वायरस से ही हमें बचाना है. ये नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस होती है. ये हमारी बॉडी के अंदर एट द टाइम ऑफ बर्थ ही प्रेजेंट होती है. ये हमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ बैरियर से बचाने में हेल्प, बहुत सारे हमारे बॉडी में बैरियर की तरह एक्ट करती है, बहुत सारे फॉरेन एजेंट से हमारी बॉडी को बचाने में हेल्प करती है. मतलब प्रोवाइडिंग डिफरेंट टाइप ऑफ बैरियर्स टू द एंट्री ऑफ फॉरेन एजेंट्स इनटू अवर बॉडी. हमारी बॉडी में एज सच किसी को भी अंदर एंटर नहीं होने देती है. चार टाइप के बैरियर्स है जिससे ये हमें बचाती है. सबसे पहले है फिजिकल बैरियर, सेकेंड वन इज फिजियोलॉजिकल बैरियर, थर्ड इज सेलुलर बैरियर एंड लास्ट वन इज साइटोकाइन बैरियर. तो पहला बैरियर जो हमारी बॉडी के अंदर बाय बर्थ प्रेजेंट है और हमें इन्फेक्शियस एजेंट से बचाता है, फिजिकल बैरियर, ये हमारा क्या है, स्किन, जो हमारा सबसे मेन बैरियर है. स्किन प्रिवेंट एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री को ये रोकता है. जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनियल ट्रैक है, यूरोजेनिटल ट्रैक है, इनके बाहर एपिथीलियम की एक म्यूकस सी लाइनिंग बनी हुई होती है और वो जो म्यूकस लाइनिंग एपिथीलियम की है वो सारे के सारे माइक्रोब्स को ट्रैप कर लेती है और हमारी बॉडी में एंटर नहीं होने देती है. मैंने क्या बोला, स्किन जो है वो हमारे बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एंटर नहीं होने देती. कैसे बचाती है, हमारे रेस्पिरेटरी गैस्ट्रो इंटेस्टिनियल यूरोजेनिटल ट्रैक में जो एपिथीलियम की लेयर बनी हुई है, म्यूकस कोटिंग है, वो क्या करती है, सारे के सारे माइक्रोब्स को ट्रैप कर लेती है और एंटर नहीं करने देती उसको बॉडी में. सो दिस इज द फिजिकल बैरियर. फिजियोलॉजिकल बैरियर क्या है, ये हमारे स्टमक में जैसे एसिड, हमारे माउथ के अंदर सलाइवा, हमारी आईज में टीयर्स, ये सारे के सारे फिजियोलॉजिकल बैरियर्स है. दे प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ, ये माइक्रोब्स की ग्रोथ नहीं होने देती हैं. थर्ड वन इज सेलुलर बैरियर. सेलुलर बैरियर क्या है हमारा, WBCs लाइक मोनोसाइट्स, नेचुरल किलर सेल्स एटसेट्रा, हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स जो कि ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि मोनोसाइट हो गया, हमारा नेचुरल किलर सेल हो गया, ये सब, या फिर इसके अलावा मैक्रोफाजिस हो गए जो सारे के सारे माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं. लास्ट वन इज साइटोकाइन बैरियर. वायरस इन्फेक्टेड सेल्स सिक्रीट प्रोटीन्स कॉल्ड इंटरफेरॉन. जो वायरस से इन्फेक्टेड हुए सेल्स होते हैं वो एक प्रोटीन हमारा सिक्रीट करते हैं, दैट प्रोटीन इज कॉल्ड एज इंटरफेरॉन, दैट प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल्स फ्रॉम वायरल इन्फेक्शन, जो कि हमारे नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को वायरल इन्फेक्शन से बचाता है. तो इनेट इम्यूनिटी चार टाइप की है, बाय बर्थ ये प्रेजेंट होती है. फिजिकल बैरियर हो गया हमारा, फिजियोलॉजिकल बैरियर हो गया, सेलर बैरियर हो गया और साइटोकाइन बैरियर हो गया. हमारी स्किन, हमारी स्टमक में एसिड, हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स, हमारे इंटरफेरॉन्स, ये सारे मिलकर हमें बैरियर की तरह एक्ट करते हैं और हमारी बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री को रोकते हैं.
Next is acquired immunity. Acquired immunity is pathogen specific. Innate immunity हमारी क्या थी? Non-specific थी. It is pathogen specific. इसका एक बहुत important characteristic है, that is memory. मतलब क्या है इसका? जब भी कभी हमारी बॉडी में एक बार कोई पैथोजन एंटर करता है तो उसके रिस्पॉन्स में हमारा जो इम्यून सिस्टम जिस तरह से रिस्पॉन्स करता है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स. जब सेकेंड टाइम सेम पैथोजन हमारी बॉडी में अंदर एंटर करता है तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या है, उसके पास मेमोरी नाम का एक कैरेक्टर है जो कि उसको याद रखने में हेल्प करता है कि ये पैथोजन हमारी बॉडी में पहले भी एंटर किया था, और वो जो रिस्पॉन्स देता है वो फास्ट रिस्पॉन्स देता है, दैट इज सेकेंडरी रिस्पॉन्स. और वो रिस्पॉन्स किसकी वजह से पॉसिबल है? ओनली बिकॉज ऑफ द मेमोरी. सो आवर बॉडी इनकाउंटर्स अ पैथोजन फॉर फर्स्ट टाइम, इट प्रोड्यूस रिस्पॉन्स कॉल्ड प्राइमरी रिस्पॉन्स, दैट इज ऑफ लो इंटेंसिटी. जब हमारी बॉडी में एक पैथोजन पहली बार एंटर किया तो उसने एक रिस्पॉन्स दिया, प्राइमरी रिस्पॉन्स दिया. सब्सिक्वेंट इनकाउंटर विद सेम पैथोजन एलिसिट अ हाई इंटेंसिफाइड सेकेंडरी रिस्पॉन्स. दिस इज ड्यू टू फैक्ट अवर बॉडी अपियर्स टू हैव मेमोरी ऑफ फर्स्ट इनकाउंटर. सेकेंड टाइम जो उसने रिस्पॉन्स दिया वो किसकी वजह से? सेकेंडरी रिस्पॉन्स और मेमोरी की वजह से आया वो ये. और यही रिस्पॉन्स हमें मेमोरी जो है याद दिलाती है कि हमारी बॉडी में ऐसा पहले भी एक पैथोजन एंटर कर चुका है. प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स कैरिड बाय टू स्पेशल लिम्फोसाइट. हमारी बॉडी में ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स दे रहे हैं हमारे इम्यून सिस्टम, ये दो तरह के लिम्फोसाइट्स होते हैं जो उसमें हेल्प करते हैं उसको रिस्पॉन्स देने में. वो हमारे लिम्फोसाइट है, वन इज बी लिम्फोसाइट, अदर वन इज टी लिम्फोसाइट. बी फॉर बी सेल, टी फॉर टी सेल. बी फॉर बोन मैरो, टी फॉर थाइमस. याद रखना, बी से बोन मैरो, टी से थाइमस. बी लिम्फोसाइट्स हमारे, टी लिम्फोसाइट्स. B lymphocyte produce an army of protein in response to pathogens into our body to fight with them. B lymphocytes जो होते हैं बहुत सारे proteins हमारी body में release करते हैं. जैसे ही एक pathogen हमारी body में enter करता है, वो proteins का काम क्या होता है? उन हमारे pathogen से fight करना. These proteins are called as एंटीबॉडीज. एंटीबॉडीज क्या होती हैं? वो प्रोटीन जो हमारे बी लिम्फोसाइट सिक्रीट करते हैं इन रिस्पॉन्स टू फाइट विद द पैथोजन. टी लिम्फोसाइट क्या होते हैं? दे देमसेल्फ डू नॉट सिक्रीट एनी एंटीबॉडीज बट हेल्प बी सेल्स टू प्रोड्यूस देम. ये खुद से तो कोई एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं करते, लेकिन बी सेल को हेल्प करते हैं एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने में. तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में मैंने क्या बोला, हमारी बॉडी जो है पैथोजन से लड़ने के लिए दो तरह के रिस्पॉन्स देती है, एक प्राइमरी रिस्पॉन्स देती है, एक सेकेंडरी रिस्पॉन्स देती है. ये जो हमारा सेकेंडरी रिस्पॉन्स है वो मेमोरी की वजह से होता है, और ये फास्ट रिस्पॉन्स होता है टू द सेम पैथोजन विच इज एंटरिंग इन अवर बॉडी. तो हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स सिर्फ इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि हमारी बॉडी में दो तरह के लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट है, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट. जैसे ही कोई पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करता है, बी लिम्फोसाइट बहुत सारे प्रोटीन रिलीज कर देती है, और उन प्रोटीन्स का काम क्या है? हमारे पैथोजन्स के साथ फाइट करना, और उन प्रोटीन्स को हम बोलते हैं एंटीबॉडीज. टी लिम्फोसाइट खुद तो कोई एंटीबॉडी सिक्रीट नहीं करते, लेकिन ये बी सेल को एंटीबॉडीज बनाने में हेल्प करते हैं. एंटीबॉडी स्ट्रक्चर. एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होता है? इसके चार पेप्टाइड चेन्स होती हैं और ये वाई शेप का है. हियर यू कैन सी दिस इज वाई शेप. ठीक है, चार पेप्टाइड, 1, 2, 3, 4. एक ये आ रही है, एक ये आ रही है, थर्ड एंड फोर. दो छोटी छोटी हैं जो स्मॉल, दो बड़ी हैं. स्मॉल वाली को लाइट चेन कहते हैं, बड़ी वाली को हैवी चेन कहते हैं. रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? दो हैवी है, H2, L2. ठीक है, एंटीबॉडीज का तुम्हें स्ट्रक्चर दिखाती हूँ एक बार डायग्राम में. हियर दिस इज एंटीबॉडी स्ट्रक्चर, लाइट चेन्स, दिस वन एंड दिस वन, दिस इज हैवी चेन. हियर यू कैन सी SSSS. दीज क्या है? ये चेन्स आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड्स की हेल्प से जुड़ी हुई हैं. ये हमारा इसका एंटीबॉडी का एन टर्मिनल है, दिस इज सी टर्मिनल.
अब देखो ये जो लाइट चेन है, लाइट चेन के पास एंटीजन बाइंडिंग साइट है, मतलब जब भी हमारी बॉडी में कोई पैथोजन या एंटीजन एंटर करता है तो वो आकर लाइट चेन के साथ, एंटीबॉडी की लाइट चेन के साथ पहले बाइंड करेगा. अगर लाइट चेन ने उसको रिकॉग्नाइज किया देन फर्दर वो आगे मूव कर सकती है कोई भी चीज़ हमारी बॉडी में, अदरवाइज वो अगर रिकॉग्नाइज नहीं करेगी तो वहीं से ही वो एंटीबॉडी उसको ट्रैप कर लेगी और बॉडी से बाहर निकाल देगी. नाउ टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज. एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप की हैं और सभी का अलग अलग फंक्शन होता है. IgA, IgM, IgE, IgD एंड IgG ये एंटीबॉडीज हैं. इनके फंक्शन नॉर्मली क्या होते हैं, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ इन्फेक्टिविटी. अगर कोई इन्फेक्शन हो गया उसको न्यूट्रलाइज करना. फेगोसाइटोसिस, मतलब फेगोसाइटोसिस करके इनगल्फ करके एक एंटीजन को बॉडी से बाहर निकालना. लाइसिस ऑफ पैथोजन और इन्फेक्टेड सेल. अगर हमारी बॉडी में कोई पैथोजन एंटर कर गया है या इन्फेक्टेड सेल है उसका ब्रेक डाउन, ऑटोलिसिस करके उसको बॉडी से बाहर निकाल देना. सो दीज आर द फंक्शन ऑफ एंटीबॉडी. अब देखो हमारी एंटीबॉडीज के बेसिस पर इम्यून रिस्पॉन्स भी फर्दर दो टाइप के होते हैं. बिकॉज दीज एंटीबॉडीज आर फाउंड इन ब्लड, ये एंटीबॉडीज हमारी ब्लड में फाउंड होती है, द रिस्पॉन्स इज कॉल्ड एज ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स. हमारी एंटीबॉडीज ब्लड में फाउंड होती है, दैट इज वाई दिस रिस्पॉन्स, जो एंटीबॉडी ये रिस्पॉन्स देंगे पैथोजन से फाइट करने का, उस रिस्पॉन्स को हम बोलेंगे ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स और एंटीबॉडी मीडिएटेड रिस्पॉन्स. क्लियर. वन रिस्पॉन्स इज एंटीबॉडी मीडिएटेड रिस्पॉन्स, दैट इज ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, बिकॉज एंटीबॉडीज आर रिलीज इन द और फाउंड इन द ब्लड. सेकेंड टाइप ऑफ रिस्पॉन्स इज कॉल्ड सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स. सेल्स जो हैं मीडिएट कर रहे हैं इम्यून रिस्पॉन्स सेकेंड टाइप का, और ये जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो टी लिम्फोसाइट मीडिएट कर रहा है. पहले वाले हमारे ह्यूमरल बिकॉज इन द ब्लड, दूसरे सेल टू सेल कनेक्ट हो रहा है रिस्पॉन्स, दैट इज वाई इट इज कंडक्टेड बाय टी लिम्फोसाइट, इट इज कॉल्ड एज सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स. एग्जाम्पल, ड्यूरिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन. अब कई बार क्या होता है, जैसे कि हमारे ह्यूमंस के अंदर हार्ट, आई, लीवर, किडनी ये कई बार फेल हो जाती हैं, ये फंक्शन इनका सेटिस्फैक्ट्री नहीं होता, ये अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं करते हैं. तब क्या होती है, एक पेशेंट को बोला जाता है कि वो अपने किसी और से वो अपना उसका ऑर्गन जो है उसकी बॉडी में ट्रांसप्लांट किया जाए, और वो ट्रांसप्लांटेशन के लिए सर्च डोनर की स्टार्ट हो जाती है. अब डॉक्टर्स क्या करते हैं, वो चेक करते हैं जिस भी एनिमल से या अदर प्राइमेट से या ह्यूमन बींग से, जिस भी सोर्स से वो ऑर्गन ले रहे हैं, वो क्या थोड़े टाइम के बाद कहीं ऐसा ना हो कि हमारे जो जिस पर्सन ने वो ऑर्गन लेना है उसकी बॉडी उसको रिजेक्ट कर दे. तो सबसे पहले वो टिश्यू मैचिंग करते हैं, ब्लड ग्रुप मैचिंग करते हैं, तभी वो ट्रांसप्लांट ले पाते हैं, किसी पेशेंट के अंदर वो डाल पाते हैं और उसको इम्यूनोसप्रेसेंट्स दिए जाते हैं पूरी लाइफ के लिए, तभी उसकी बॉडी जो है किसी और के ऑर्गन को अपना ऑर्गन समझ कर एक्सेप्ट कर पाती है. तो बॉडी की ये जो एबिलिटी जिसमें वो सेल्फ और नॉन सेल्फ या सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स को रिस्पॉन्स करता है, वो हमारी इसी सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है. हमारी बॉडी सेल्स के बीच में डिफ्रेंशिएट कर पाती है कि वो उसका है या नहीं है, या अगर वो फॉरेन से आ रहा है इम्यूनोसप्रेसेंट्स उसको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, उसका ब्लड ग्रुप टिश्यू मैच किया है, तभी वो एक्सेप्ट करेगी उसको. सो दिस इज ऑल सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स. सो आज हमने क्या पढ़ा, इम्यून सिस्टम की इम्यूनिटी के बारे में पढ़ा कि इम्यूनिटी दो टाइप की होती हैं हमारी. कौन कौन सी, इननेट इम्यूनिटी बाय बर्थ, एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो कि हम अपने लाइफ टाइम में अचीव करते हैं एंटीजन्स को इनकाउंटर करके, और उसके अलावा हमने पढ़ा एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उनका फंक्शन कैसा होता है, और एंटीबॉडीज के बेसिस पर हमारी बॉडी दो तरह के रिस्पॉन्स देती है, ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स और सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द इम्यूनिटी. बाकी इससे फर्दर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. थैंक यू.